मनुज अवतार या आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोगों के स्वामी स्वयं भगवान है, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य के रूप में अवतार लिया। को सुदेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन जा आए, नाम राम लक्ष्मण दोही भाई, संग नारी सकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैदे, यहाँ हरि निश्चर बैदे ही प्रिय प्रिय प्रतिराई हम भैया खोजत नते ही आपन चरित कहा कहता नहीं। यहाँ कह की हमारी संगे सुंदर स्त्री ए वन में वके निशाचर हर ले गए। यहाँ सर हम अपन चरित्र है ब्राह्मण देवता गा के बता दी, अब अपन कथा कही। आप अपन चरित्र कहा मैं गाई विप्र कहनी कथा बुझाई, तो प्रभु पहचान परव गई चरना बजरंग बली की जय, बज राम चंद्र की जय। हरे हरे महादेव, एक मंद में मोह बस भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान भी हूँ। पर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने मुझे भुला दिया। जत पिनात भव अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। नाथ जीव तवा माया मोहा, सो निस्तर ही तुम्हारा ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वो आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। ता पर मैं रघुवीर दुहाई, जाने उन्हीं कछु भजन उपाय। सेवक सुतपति बात भरोसे, रहें सोच बनाई प्रभु को। उस पर हे रघुवीर, मैं दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता, सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करके ही बनता है। अस कहीं पर हूँ चरण हे स्वामी उस पहाड़ पर सुग्रीव रहता है, सुग्रीव रहते हैं और बानरों के राजा हैं। उससे आप मित्रता कीजिए, उनसे चलकर आप मित्रता कीजिए और उनको दीन जानकर उनके कष्टों का हरण कीजिए। तब हनुमंत भाई जीसी की सब कथा सुनाई और पावक साखी जोरी प्रीत दिलाई। हाथ मिला ले जाए जल्दी, चले चल हाथ मिला जल्दी जल्दी मिला ले जाए। अरे राजा राम
रामचंद्र की जय। कछीनी प्रीत कछ बीच न राखा, लक्ष्मण राम जर्ज सब भाखा। मित्रता हो गई है। लक्ष्मण जी भगवान के बारे में बताओ हाँ। हे मित्र सुग्रीव क्या कारण है कि तुम इस वन में इतना डर के रहते हो। हे स्वामी मैं और बाल सगे भाई थे। हम दोनों में सगा प्रेम था। बड़ा प्रेम था। मैं राक्षस का पुत्र मायावी हमारे गांव आया ललकारा। आधी रात को बाली उसके पीछे गया। मैं भी भाई के प्रेम में उसके पीछे गया। एक गुफा देखकर राक्षस उसमें बैठ गया। तब बाली ने मुझसे कहा कि एक पखवारे तक मुझे मेरी प्रतीक्षा करना और अगर मैं नहीं आऊं तो समझ लेना कि मैं मारा गया। हे प्रभु मैं वहां एक मास रहा। गुफा के द्वार से खून की धारा निकल रही। मैंने सोचा कि बाली को तो इसने मार दिया अब मुझे भी मारेगा। तो मैंने गुफा का मुंह बंद करके चला आया। मैं पुनः अपने राज्य वापस चला आया। मंत्रियों ने देखा कि कोई राजा नहीं है तो जबरदस्ती मुझे राजा बना दिया गया। तब तक कुछ दिनों के बाद बाली उसको मारकर घर आया। मुझे राजा बना देख बहुत क्रोधित हुआ। दुश्मन की तरह मुझे मारा और मेरा सर्व कुछ हरण कर लिया। मेरी स्त्री का भी हरण कर लिया। उसके डर से हे कृपाल मैं तीनों लोग चौदहों भुवन भागता रहा। यहाँ मातंग ऋषि के श्राप के डर से बाली यहाँ नहीं आता। तो भी मैं डर के ही रहता हूँ। हे मित्र चिंता छोड़ो। मैं हर प्रकार से तुम्हारा कल्याण करूंगा। हे प्रभु बाली बहुत बहादुर है। उसका मुकाबला संभव नहीं है। तो दुंदभ्य अस्त्र ताल दिख रहा है, बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। तिरुबा भैया तिरुबा कहीं सुग्रीव कहा कि है जो सात हेताल रक्षण के एक ही बाण से बेच गई। हे प्रभु जो इन सातों ताल वृक्षों को एक ही बाण में बेध कर गिरा देगा वही बाली को मार सकता। फिर छोड़ी तो बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। तो देखे मित बल बाली प्रीति बाली बधाविन भाई पड़ती थी बैठी। तब विश्वास हो गए कि बाली के मार दी। हाँ हे मित्र मित्रता का धर्म है कि अपने दुख को अपने पहाड़ जैसे दुख को धूल के समान समझे मित्र के धूल समान दुख को पहाड़ समान समझे जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं उनको देखने से भी पाप लगता है। ये सुग्रीव
हे सुग्रीव तुम मेरे बल पर चलो, तुम मेरे बल पे चलो, आज मैं तुमको बाली से अभय कर दूंगा, बाली से अभय कर दूंगा। ठीक चल चलो श्री राम। आज बाली तेरी बहुत है। नहीं ना तारा के यार बाली बाहर आओ, बाली बाहर आओ, आज हिसाब कर लिया जाए, आज हिसाब किताब कर लिया जाए, बाहर निकलो, बाहर निकलो। तो सुनत बाली को धातुर धावा गई कर चरण नारी समझावा। तारा कहली हो कि हे सुनती है जिन्हें ही मिला सुग्रीवा, ये तो बंत तेज बंसीवा, कौ संदेश सुख लक्ष्मी रामा, कालो उनकी जिस कहीं संग्रामा। हे डरपोक स्त्री, हे डरपोक स्त्री, तुम डरो मत, वो दोनों राजकुमार जो हैं, समदर्शी हैं, अगर मुझे मारेंगे भी, तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं सुग्रीव को मार कर अभी आता हूँ, रस कई चला महाभिमानी चिन्ह समान सुग्रीव में जानी, सुग्रीव के चिंता समान समझ छोड़ो। ए बजा वाला, बजा वाला रे, चलो भैया वीडियो वाला लो, वीडियो पार्टी मार दो आई था। तब सुग्रीव विकल हो भागा, मुश्किल प्रहार वज्र समलागा। हे स्वामी, हे स्वामी, मैंने पहले ही कहा था, कि वो भाई नहीं, कसाई है, मेरा काल है, हे सुग्रीव, धीरज रखो, इसीलिए मैंने नहीं मारा, तो कर परसा सुग्रीव सजीला, तनभा कुलिस बगई सब पीरा, और मेली कंठ सुमन के माला, उन पठवा बल दे विशाला।
हे सुग्रीव, हे सुग्रीव, यह मेरी माला है, यह मेरी माला है, धारण करो, धारण करो, अब की बार कोई चुप नहीं होगी, कोई चुप नहीं होगी। और भगवान अपन बल दे के भेजना है ताकि बाल के मालूम हो जाए कि नहीं अलग से बल लेके आज बात। चलो भैया फिर जल कर निकाल बहन तो का कर बोलो बोलो आगे बढ़ो तो क्या हल ना ये अब का चलो घर घर स्त्री की चक्कर भगवान बिचार बताओ तो रे बाबू खेला बहुत छोटा बहुत सुग्रीव कारी हारा भगवान तुम्हारा बाली राम तब हृदय मान सम्मान हो गए खत्म करो। तो परा बिकल मई सर के लागे सांस ले लो बड़ा विकल माई सर के लागे लिखे मिलो इधर कुछ बीत गए तुम्हारा भैया अब मोबाइल बात छोड़ दें थोड़े देर अगर सीखल चाहते देखा चलिए अरे तो परा बिकल माई सर के लागे उठो भैया पुण्य उठी बैठ देख प्रभु आगे बाली के जब भगवान मरना है तो उठ के देखा था कि अब सुग्रीव से लड़ाई होती है सुग्रीव नहीं था भगवान जाना श्याम गात फिर बचा बनाए अरुण नयन सर प्रदीप बेघट प्रदेश मांग लिया प्रदीप बेघट है मोहलिया हाँ बाल उठो ना भगवान की चरण में आपको ध्यान बनाओ हृदय में अब बाल के हृदय में तो बड़ी प्रसन्नता रहे भीतर से ताना मारे के रहा हो मुख बचन कठोरा अब बोला चिटाई राम की हो रहा बची बची धर्म है तू आवा तोरे मारे बाल पूछना है कि हे भगवान सुग्रीव आपके प्रिय हो गए ना हे बाल छोटे भाई।
ये हमारे पाली ग्राम सभा में जो रामलीला मैदान में जो है ये रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। ये रामचंद्र जी बने हैं लेकिन आपके पकड़े के भाई तो कुकार रखा नहीं कर।